मेरा नाम मोहम्मद सारिक है। मैं झारखंड के चतरा ज़िले से हूँ और मेरे घर से जो सेंटर MLC जो सेंटर है उसका डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। मुझे इस टनल के बारे में 2021 में पता चला कि एक टनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला की है और वो गरीब और बेसहारों जो बच्चे लोग रहते हैं उनको और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहते हैं उनको फ्री में एजुकेशन देती है। तो मोहम्मद फरहान सर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे और वो मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल किए। वहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू के लिए गया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट है लॉकडाउन की वजह से ड्रॉप आउट हुए हैं या किसी भी कारण से फाइनेंशियल कंडीशन के कारण से जो ड्रॉप आउट हुए हैं उन बच्चों को आपको पढ़ाना है, अब बैक टू मेन स्ट्रीम करना है, उसे बैक टू स्कूल भेजना है। तो मुझे यह जान के बहुत खुशी हुई। तो फर्स्ट टाइम मैं जब बुढ़ाइन गाँव गया और वहाँ का लोगों से बात किया, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को समझा, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब था। क्योंकि मैंने जब वहाँ पर जाके देखा, लोगों से बात किया, मैंने वहाँ सर्वे किया तो मुझे पता चला बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 8th क्लास 7th क्लास तक पढ़ गए और फिर वह कुछ काम पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोग नाई का काम करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं पर लेबर का काम करते हैं, कुछ मैकेनिक का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग दो टीचर थे, एक मैं एक बलेश्वर सर, एक कोचिंग में वहाँ पर थनल के द्वारा एक सेंटर ओपन हुआ था जिसमें मैंने 2 साल तक पढ़ाया। तो फर्स्ट जो बैच था हमारा उसमें 90+ बच्चे थे जिसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया। और बहुत सारे बच्चे थे जो 8th क्लास में ड्रॉप आउट हो चुके थे, उन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया, मैंने और बलेश्वर सर ने पढ़ाया और फिर उनको मैंने बैक टू स्कूल किया और वो 9th क्लास में स्कूल में एडमिशन हुआ उनका। फिर उनको मैंने ट्यूशन पढ़ाया 2 साल और फिर वो मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाए। तो बच्चे का सपना है, किसी का सपना है डॉक्टर बनना, किसी का सपना है इंजीनियर बनना, तो IIT करूँगा मैं, मेडिकल की पढ़ाई करूँगा। तो हमारा जो झारखंड है वहाँ पर अच्छे कॉलेज में उनके पेरेंट्स एडमिशन नहीं करा सकते क्योंकि उसके पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब है। उनके जितने पेरेंट्स हैं लगभग सब लोग बार का काम करते हैं तो अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। तो क्या होता है कि पैसा ना होने की वजह से लोग जो वहाँ के जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर बार का काम को स्टार्ट कर देते हैं जो उसका ऑक्यूपेशन हो जाता है। और बहुत सारे लड़की जो 16 साल 17 साल ऐसे होते होते उसका एज, उनका पेरेंट्स उनकी शादी करा देते हैं जिसका उसका पूरा भविष्य ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे मेरे साथ अभी 11 स्टूडेंट हैं जो झारखंड से केरला आए हैं पढ़ने के लिए अपने सपनों पे लेके। तो मैं आप अभी उन लोगों से आपका इंट्रोड्यूस कराऊँगा, वो बच्चे लोग बताएंगे उनके साथ क्या हुआ था, वो कैसे थनल में ज्वाइन किए, कैसे उनको सपोर्ट मिला वहाँ पर, अगर थनल नहीं होता तो क्या होता, उनका भविष्य कैसा रहता, उसके फैमिली बैकग्राउंड, बच्चे लोग अपने पूरे फैमिली बैकग्राउंड और पढ़ाई के बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मी माई सेल्फ MD अनस एंड आई एम फ्रॉम झारखंड। माई क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिक और मैं यहाँ पे केरला पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरा ड्रीम है ITI कंपटीशन क्लियर करना, जिसके वजह से मैं झारखंड से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। 11 स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, किसी का मेडिकल ड्रीम है तो किसी का ITI, और इसमें से 7 स्टूडेंट्स ITI करने के लिए आए हैं, इसमें से 4th स्टूडेंट मेडिकल के लिए, जिसमें से मैं ITI करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मेरा इच्छा है कि मैं यहाँ पे ITI कंप्लीट करके यहाँ से सीधा अपने झारखंड राज्य में जाऊँ, जिसके लिए मैं थनल स्टडी सेंटर को भी ज्वाइन किया था, जो कि 2020 में मेरी पढ़ाई रुक जाने के कारण मैं कहीं पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने थनल, जैसे मैं वहाँ सुना कि अपने गांव में एक सेंटर खुला है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं वहाँ पे चला गया अपने एडमिशन के लिए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स 10th क्लास जितने भी स्टूडेंट हैं सबको स्टडी फ्री में दी जा रही है, तो मैंने भी वहाँ पे स्टडी लेने स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से वहाँ पे मैं 2 साल पढ़ा
और वहाँ पे मैं डेली एवरी डे 2 आवर पढ़ता था। और वहाँ से पढ़ने के बाद जब मैं अपने फिर से लॉकडाउन खुलने के बाद अपने स्कूल को ज्वाइन किया, तो वहाँ जाके फिर मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर किया। और क्लियर करने के बाद यही थनल की वजह से मैंने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, जिसके वजह से वही परसेंटेज के हिसाब से मैं फिर से यहाँ पे थनल के ज़रिए केरला आया हूँ पढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सीधा पढ़ के जाऊँ। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं झारखंड से हूँ। मैं यहाँ अपने सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ झारखंड से, क्योंकि वहाँ पे हायर एजुकेशन का कोई वैसा कॉलेज नहीं है। और है भी तो मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस कॉलेज में मेरा एडमिशन करा सके। तो हम सोचे कि यहाँ पे हम लोग आए, और हम लोग सुने कि थनल के ज़रिए हम लोग को एक बड़ा सा कॉलेज है यहाँ केरला, वहीं पे जा करके अपना पढ़ाई पूरा करना है। और इसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे अपने सपने को पूरा करने के लिए, और मैं यहाँ से अपने सपने को पूरा करके जाऊँगा। मैं यहाँ थनल से एक सारिक सर है, उसके द्वारा यहाँ पे पहुँचा हूँ, और यहाँ का कैंपस देख दूँगा। और मैं यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा हमको, सब यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बढ़िया है, सब हमको अच्छा लगा, पसंद आया। और हम लोग का यहाँ पे ऐसा, मतलब झारखंड में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, और यहाँ देख करके हमको अच्छा लगा। यहाँ पे मन भी लग रहा है, हमको यहाँ पढ़ना है और अपने सपने को पूरा करके जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं झारखंड चतरा डिस्ट्रिक्ट कढ़ाई से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं यहाँ केरला पढ़ने के लिए आया हूँ, एक अच्छा एजुकेशन के लिए आया हूँ, जो कि हमारे झारखंड में एक नहीं है। अच्छी एजुकेशन के लिए मुझे इतना दूर का सफ़र तय करना हुआ, और मैं यहाँ का रास्ता दिखाने वाला मुझे फरहान सर हैं, जो कि थनल का वो कोऑर्डिनेटर, उन्हीं के द्वारा मुझे यहाँ आना हुआ। और मैं ये थनल का जो वो एक ब्रांच है वहाँ गढ़ाई में, हमारे यहाँ 2021 में लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया था, जो कि मैं उसको ज्वाइन किया। मेरा पढ़ाई आगे लॉगआउट हो गया था लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो मैं पढ़ना भी छोड़ दिया था। इसके बाद मैं वो वहाँ पे ये थनल हुआ, लागू हुआ, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू 2 साल थनल में पढ़ा, मुझे वहाँ की अच्छी एजुकेशन मिली। वहाँ पढ़ाने वाले हमारे शारिक सर थे और बालेश्वर सर थे, जो कि मुझे अच्छे से शिक्षा देते थे। उन्हीं की वजह से मैं मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाया और यहाँ तक के आने का मुझे वो ऑप्शन मिला। अगर थनल नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं आ पाते, और जो मेरा लक्ष्य था, मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, वो मैं नहीं कर पाता। मैं थनल को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने ड्रीम को साकार करने के लिए यहाँ पे लाए। और मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चतरा ज़िले में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में, एक अच्छी डॉक्टर MBBS है ही नहीं। वहाँ यदि अगर वहाँ किसी को वो हो जाए, कोई बड़ा बीमारी हो जाए या इमरजेंसी केस आ जाए, तो उन लोगों को, वहाँ के लोगों को कम से कम तो 6 से 7 घंटे का सफ़र तय करना होता है, उसके बाद जाके वहाँ हॉस्पिटल मिलता है, उसके बाद ही वहाँ वो अच्छी इलाज करवा पाते हैं। वो भी कम से कम में तो 5-7 लाख रुपये खर्चा करेंगे तो ही अच्छा इलाज कर पाएंगे, या अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो उतना वो, मतलब वो वहाँ पे गरीबी बहुत है झारखंड में, इसके वजह से बहुत कम ही लोग अपने बीमारी की वजह से ज़िंदा रह पाते हैं, बच पाते हैं। तो मैं डॉक्टर इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि वहाँ के लोगों को हेल्प कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया परवीन है, मैं झारखंड से आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ और मैं अपने आगे की पढ़ाई कर सकूँ।
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई भी चली गई थी और हमारे पापा भी इधर भी बैठ गए थे और उनकी वजह से हमें बहुत लॉकडाउन की वजह से हमें पढ़ाई में बहुत पीछे हो गए, शायद हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हो सका। तो हमारे यहाँ 2021 में थानल सेंटर आया, वो हमारे बहुत हेल्प किए, वहाँ के जो टीचर थे वो हमारे हेल्प किए, वो हमारे पढ़ाई में हमें बहुत फोकस दिए, वो हमें बहुत मेहनत की अपने लगन के साथ हम लोग को पढ़ाए। और यहाँ तक कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क से पास करूँगी, क्योंकि हमारा तो उतना नहीं था, हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था और हमारी पढ़ाई भी बहुत पीछे हो गई थी। तो हमारे सर लोग हैं, सर हैं सारी सर हैं बालेश्वर सर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे पढ़ाई के लिए, हमें बहुत पढ़ाया और इनके वजह से हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क से पास किए थे। शायद हमें लगता है कि अगर थानल सेंटर ना होता और हमें वहाँ नहीं पढ़ाया जाता तो हम अपनी पढ़ाई में कभी ये नहीं हो पाते, शायद ऐसा होता कि हम अपने मार्क्स कम ला पाते या फिर वो नहीं कर पाते जो हम अपना चाहते थे। और हमारे यहाँ का झारखंड का है कि वहाँ पे होता है कि लड़कियों को वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है और लड़के को भी 10th के बाद वो काम पे चले जाते हैं और वहाँ के बहुत से बार्बर हैं, लड़कियाँ तो 10th के बाद शादी कर लेती हैं। हमारे यहाँ सेंटर आया तो हम लोग को बहुत समझाया गया, वहाँ के पेरेंट्स को बताया गया कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं और लड़के को भी पढ़ाया जाए। यहाँ के सर लोग हम लोग को बहुत फोकस किए हैं। मैं तो कहना चाहूँगी कि सबको जो सेंटर का मेंबर्स हैं उन्हें मेरे तरफ से थैंक यू, उन्होंने हमें पढ़ने की मौका दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूँ, जिसके वजह से मैं यहाँ केरल में अपनी पढ़ाई करने आई हूँ। मैंने यहाँ का सुना, हमारे सर लोग बताए कि वहाँ का एजुकेशन आगे है, वहाँ की पढ़ाई है, वहाँ पे हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे सर लोग हैं वो हमें यहाँ लेके आए ताकि हम अपने सपने को पूरा कर सकें और कुछ बन सकें। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कभी कभी कि किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो वो मरने की नौबत में आ जाते हैं, उनके पैसे की वजह से। और आस पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ का है भी तो बहुत दूर में है। अगर हम पढ़ाई यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं कि मैं अपने झारखंड में रह कर ही पढ़ाई करूँ तो वहाँ के स्टडी के लिए बहुत से पैसे लगते हैं जो मेरे पापा नहीं दे पाते, उनकी इनकम सैलरी बहुत कम है। इसी वजह से हम यहाँ सेंटर में केरल आए हैं पढ़ने के लिए, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ और मैं कुछ बन सकूँ, ताकि मैं अपने गाँव के लिए, अपने झारखंड देश के लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरहत अमरीन है, मैं झारखंड से हूँ। मैं यहाँ झारखंड से केरल पढ़ाई के लिए आई हो। मेरा एम्बिशन है कि मैं डॉक्टर बनूँ। लॉकडाउन के कारण मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, जिसके कारण मेरी पढ़ाई रुक गई थी। तभी थानल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। थानल हमारे गांव में 2021 को आया, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई ज्वाइन की। वहाँ मुझे राशिद सर, फरहान सर, बालेश्वर सर, शादी सर मिले, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया। मैं वहाँ पढ़कर अच्छे अपने 10th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे यहाँ केरला के बारे में उन्हीं से पता चला। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं थानल को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ का कल्चर, यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ रहकर यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम MD आदिल अंसारी, मैं झारखंड से हूँ। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ केरल, पढ़ के कुछ बनने के लिए, यहाँ इंजीनियर बनने के लिए मैं आया हूँ। और यहाँ मैं केरल में पढ़ने के लिए आया हूँ। और चतरा डिस्ट्रिक्ट में कोई पढ़ने वाला अच्छा से नहीं होता था, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। चतरा डिस्ट्रिक्ट में कोई तरह का पढ़ाई नहीं होता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब गुड़हा में MNC खुला तो तब मैं कुछ नहीं जानता, जब MNC में पढ़ने लगा तब बहुत कुछ जानने की कोशिश करने लगे थे।
इसीलिए मैं और शारिक सर और बालेश्वर सर, राशिद सर और फरहान सर हम लोग को पढ़ने के लिए यहाँ सिखाया था। इसीलिए मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ और पढ़ के कुछ हासिल करेंगे। थानल बहुत जगह खुला है और मेरे घर में भी पढ़ाई होता है थानल के जरिए, और थानल से भी बहुत लोग दूर दूर से चतरा डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर पर टीचर आते हैं। टीचर शारिक सर, बालेश्वर सर और सरस्वती मैडम। इसी के साथ मैं थानल को थैंक यू कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं झारखंड के चतरा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव में पता चला कि पहले लॉकडाउन लगा 2018 में, उसके बाद मेरा एजुकेशन तो बर्बाद हो गया। उसके बाद हम लोगों को गांव में एक थानल स्कूल खोला गया था, हम लोग को पता नहीं था। उसके बाद पता चला तो हम लोग वहाँ पर ट्यूशन कराए 2021 में। उसके बाद हम लोगों के थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेवल पर बढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोगों को क्लास तो बर्बाद हो गया था, फिर टेंथ में गए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ते गए और हम लोग के मालूम भी नहीं थे कि इतना मस्त मार्क्स आएगा। तो पता चला कि मार्क्स आ गए तो टॉप पे किए, तो फिर हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पे केरला में कॉलेज है JDT नाम का। तो हम लोगों को बुलाया गया थानल स्कूल में, तो हम लोग गए, तो हम लोग को जानकारी दी गई, तो हम लोग बोले जी जाएंगे। मतलब बुलाए थे हम लोग के स्कूल में, तो हम लोग के बोले कि यहाँ केरला में ऐसा ऐसा स्कूल है, तो आप लोग जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग डन किए, तो हम लोग फिर आने का तैयारी किया था। तो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मनान है, मैं झारखंड से हूँ। मैं यहाँ पे अपने आगे की पढ़ाई करने आया हूँ। मैं थानल गुड़ाई MLC से मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब इतना बड़ा स्कूल कॉलेज है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे यहाँ मतलब फ्री में पढ़ाई दी जाती है, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए सोचा। जब हम 9th क्लास में पहुँचे तो हम MLC गुड़ाई ज्वाइन किए, तो उसमें हम लोग 2 साल रेगुलर पर डे पढ़ते थे 2 घंटा। वहाँ पे हम लोग पढ़ना बिल्कुल ही मतलब हम लोग को लॉकडाउन के वजह से पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, तो यहाँ MLC हम लोग के गांव में ही सेंटर था एक, उसमें हम लोग ज्वाइन किए, फिर वहाँ पे पढ़ते। तो वहीं से पता चला कि केरला में इतना बड़ा कॉलेज है, तो हम लोग फिर सोचे कि वहीं क्यों ना फिर एडमिशन कराया जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और थानल वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे फरहान सर, राशिद सर, बालेश्वर सर, शारिक सर, ये लोग हम लोग को बहुत गाइड किए हैं। मैं अमनी शानवाल अंसारी, मैं झारखंड से हूँ और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। और मेरे गांव में लॉकडाउन के वजह से मेरे गांव में थानल खुला, जो उसी में हम लोग पढ़ते थे, और वहाँ पढ़ के हम लोग मैट्रिक पास किए, और वहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में ITI करने के लिए कॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और थानल का बहुत बहुत शुक्रिया, और थानल में जो फरहान सर और बालेश्वर सर और शारिक सर के वजह से, शारिक सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, उसी के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और इसलिए मैं थानल को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख अंसारी, मैं झारखंड से आया हूँ केरला में पढ़ने के लिए। मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, और थानल के द्वारा मैं शिक्षक मिली, और मैं उसमें पढ़ाऊँ और फिर मैट्रिक दिया, पास हुआ मैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आफ्टिन परवीन है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड का एक ऐसा गांव में रहती हूँ जहाँ शिक्षा अच्छा से प्राप्त नहीं हो पाता है,
लॉकडाउन की वजह से हम लोग का स्कूल भी छूट गया था, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। तो हम लोग को पता चला कि हमारे गांव में थनल एक सेंटर खुला है, हमारे दोस्तों से पता चला, तो हम थनल सेंटर ज्वाइन किए और वहाँ से पढ़े, बहुत कुछ मिला हमको वहाँ से। इसके बाद थनल के द्वारा ही यहाँ हम आए हैं, हमारे थनल के टीचर बताए यहाँ के बारे में, हम यहाँ आए। पर यहाँ आके मेरा सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर का सपना मेरा गांव में पूरा नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल था। पर हमें लगता है JDT मेरा सपना पूरा करेगा डॉक्टर बनने का, और थनल के द्वारा ही मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मैं यहाँ आकर मतलब कि पढ़ाई पूरी करूँगी, गाँव में रह के मेरे पापा वही पढ़ाई वही पूरी कर सकते क्योंकि वो गरीब है। मैं यहाँ आके फिर पढ़ाई होती है तो मैं यहाँ पे पढ़ी पर अपना सपना पूरा कर लूँगी। फिर अपने टीचरों को धन्यवाद देती हूँ, वो हमें यहाँ तक लाए और इतना बड़ा वरदान दी। हमारे गांव में थनल आने से पहले बहुत ही हालत सही नहीं था। थनल जब से आया तब से हमारे गांव में बहुत ऐसा चीज़ नया नया कुछ सपना जैसा हम लोग को लगने लगा, क्योंकि थनल जो है इनका एक काम ही था कि बस पढ़ाना है, और हमारे यहाँ कोई पढ़ाने का कोई जरिया नहीं था, और कोई स्कूल को ऐसा जगह भी नहीं था जो हम लोग मतलब बच्चे हमारे पढ़ पाते। जब थनल आया तो हमारे बच्चे लोग पढ़ने भी लगे अच्छा से, और हर एक टाइम में स्कूल उस्कूल बीच बीच में यहाँ से केरला से लोग जाते थे, हम लोग को प्रोवाइड करते थे, बताते थे कि आप लोग पढ़िए पढ़िए। और उधर फरहान भाई हैं, उधर सारिक भाई हैं, बहुत मेहनत किए जी, तोड़ मेहनत की हमारे इधर आ करके, तब जा करके आज जो देख रहे वो 10-11 बच्चे जो यहाँ आए हैं, ये लोग बहुत मतलब प्रयास किए तो फिर इधर हो गया। वो कुछ टाइम में भी गए थे तो बोले थे कि JDT है उसमें आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे तो फिर इधर आप लोग को बुलाया जाएगा। इन लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया जो आज यहाँ पे आ करके अपना यहाँ पे नामांकन करवा रहे हैं। बाकी अभी देखिए यहाँ का हर एक चीज़ अच्छा लग रहा है हम लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, खाने का भी बहुत अच्छा है, रहने का भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का सारा चीज़ हम लोग को बहुत पसंद आया। ऐसा हम लोग लगता है जैसा कोई सपना में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा टाइप का हम लोग को महसूस होता है। बाकी अभी हो सकता है ये बच्चे अगर यहाँ से कुछ करके जाएंगे तो अपने गांव का हालात चेंज कर देंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास ऐसा लगता है। और इस थनल से हम लोग को बहुत आशा और विश्वास है ये और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हमारे गांव में जो है वो बहुत ही जर्जर स्थिति था पढ़ाई के बारे में, जो अब हो सकता है कि थनल के वजह से अभी हमारे यहाँ ही थनल चलता है। 90 बच्चे का पढ़ने का बंदोबस्त वहाँ पे हम लोग किए, हमारे घर में 90 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं रोज़। हाँ, उन लोग हर एक टाइम में आते, हर समय जो पढ़ने का समय दिया जाता है वो समय से पढ़ना आते हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। टीचर भी वहाँ के बहुत अच्छे रखे गए हैं, बीच बीच में यहाँ से क्लास होता है, टीचरों का क्लास होता है कि आपको किस तरह से पढ़ाना है, जो सिस्टम से यहाँ से किया जाता है इसी सिस्टम से वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इधर, डॉक्टर इदरीस साहब, सिक्के सुबैर, फरहान भाई कोऑर्डिनेटर, और इधर टीचर हमारे सारिक भाई, और ये रांची का जो पवन जी हैं, सारिक सर हैं, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झारखंड में भी काम बहुत अच्छा हो रहा है थनल का। मुझे मोहम्मद राशिद सर के द्वारा पता चला कि वहाँ का जो कैंपस है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, वहाँ पढ़ाई का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं यहाँ पर आके देखा, सच में बहुत ही अच्छा है यहाँ का फैसिलिटी, हर कुछ सुविधा जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ थनल को कि हमारे बच्चे के बारे में उन्होंने इतना कुछ सोचा। अगर थनल इन बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो शायद ये 8th क्लास 9th क्लास तक पढ़ के अपना पढ़ाई छोड़ देते और किसी ना किसी ऑक्यूपेशन में ही लग जाते। थनल के पैन इंडिया में जितने भी एम्प्लॉय हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज झारखंड से 11 स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेके, अपने सपनों को लेके इतना दूर केरल आए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे मेहनत करके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपना जो इसका एम्बिशन है, इनका जो गोल है वो पूरा कर पाएंगे। इसके लिए मैं पूरे थनल टीम को एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना इन बच्चों को इतना सपोर्ट किया, सभी जो टीम है। और मैं इस थनल फरहान सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये बच्चे लोग इतना दूर आए हैं
अपने भविष्य को सुधारने के लिए। थैंक यू।